सिद्धदात्री मतलब सिद्धि को देने वाली, सिद्धम ददाति त्रय गुण, त्रय गुण युक्ता, त्रिगुण गुण जो होते हैं सतो गुण रजोगुण तमोगुण होते हैं, तीनों में से जो सब कुछ दे देने में समर्थ हो उसे सिद्धदात्री कहते हैं। सिद्धि सिद्धदात्री जब हम नाम ही ऐसा है, ये कमल पर वास करती है, वो समस्त सिद्धियां जितनी सिद्धियां अष्ट सिद्धियां कही गई हैं सब ये दे सकते हैं इनको प्रसन्न करने के लिए, इनकी आराधना करने के लिए। जैसा नाम है पहले अपने पद्मासन में आसन शुद्ध करना चाहिए इनके लिए विशिष्ट रूप से, फिर एकाग्रचित्त होकर सामग्री रख लेना चाहिए, फिर भगवती का अपने ध्यान में आकर मन से सिद्धदात्री नाम लेते हुए, हेमा सिद्धदात्री हम आपका वाहन आपके बीज मंत्रों से कर रहे हैं, अकार रूप से आप ब्रह्मा हैं, उकार रूप से आप विष्णु हैं, मकार रूप से आप शंकर हैं, बिंदु रूप से आप आदिशक्ति हैं और नाद रूप से पूर्ण ब्रह्म है, और आपका मंत्र मैं उच्चारण करके आपका वाहन करता हूँ या करती हूँ, ओम ऐं क्रीम क्लीम चा मुंडायै बिच्छे, इस प्रकार के मंत्र से उनकी प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए, उन्हें आवाहित करके सामने आसन के लिए मन से कल्पित करके रत्नों का आसन दे देना चाहिए, फिर उनका मानसिक पूजन करके बृहद में या सूक्ष्म में जैसा आपसे आता हो मानसिक पूजन करके दिव्य उनको पुष्प अर्पण करिए। जैसे पुष्प आपको मिल जाए सब तरह के पुष्प सिद्धात्री को पसंद है, और हर तरह का भोग सात्विक भोग होना चाहिए, रजोगुण या सात्विक, उसमें तामसी कोई भी नहीं होना चाहिए। भगवती सारे भोग लेती है, सारे प्रकार के फल प्राप्त करती हैं, वो आपकी श्रद्धा पर, और जो आप चाहते हैं मुक्ति भुक्ति वो सब आपको परोस के दे देती है। इस तरह हमारी माँ सिद्धदात्री हैं और नौवां रूप है पूर्ण रूप।